अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सैमसंग गैलेक्सी A31 फ़ोन के बारे में। पाकिस्तान में इसकी अभी कंफर्म डेट नहीं है, तो ये ईद पर भी लॉन्च हो सकता है या इसके अलावा इसे 1-2 मंथ लग सकते हैं। तो कंफर्म डेट इसकी नहीं है, लेकिन चाइना और इसके अलावा सऊदी अरेबिया वगैरह इस तरह के कंट्रीज़ में ये लॉन्च हो चुका है। और काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर ने ये भी कन्फर्म किया हुआ है कि इसका स्टॉक पाकिस्तान में आ चुका है। तो अभी सैमसंग देर पता नहीं क्यों कर रहा है। तो ये फ़ोन बहुत ही कमाल किस्म की आपको स्पेसिफिकेशन देने वाला है। ये प्राइस इसकी होगी 35,000 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और 6 GB रैम वाला अगर वेरिएंट आता है तो वो 40,000 की प्राइस तक जा सकता है। तो आज हम इसकी मज़ीद स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बताते हैं कि इस फ़ोन में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाली हैं, क्या प्रोसेसर मिलेगा, रैम क्या मिलेगी और स्टोरेज क्या मिलेगी, बैटरी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना। वैसे फ़ोन देखने को तो बहुत कमाल का लग रहा है, जो स्क्रीन्स होती हैं सैमसंग के फ़ोन की काफ़ी कमाल की होती हैं। इधर आपको 84.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगी और फुल HD ये होगा 1080 पिक्सल के अंदर, 411 PPI डेंसिटी मिल जाएगी। तो स्क्रीन इसकी लाजवाब होने वाली है, बेस्ट फोन होगा स्क्रीन के मामले में। एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, One UI 2.0 वाला मिल जाएगा, तो आपको स्टॉक एंड्रॉयड जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। और इसकी आने वाली अपडेट और जो नेक्स्ट एंड्रॉयड वर्जन की अपडेट आएंगी वो आपको इसमें मिलती रहेंगी काफ़ी अच्छे तरीके से। इसमें आपको मीडिया टेक का P65 वाला चिपसेट मिलेगा, ओक्टा कोर का CPU होगा 2.0 GHz के साथ। तो चिपसेट भी काफ़ी अच्छा है, आप इस फोन के अंदर अच्छी खासी गेमिंग कर सकेंगे। 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज और 6 GB रैम, 128 GB की स्टोरेज वाले वेरियंट आ सकते हैं। चाइना और सऊदी अरेबिया इस तरह के कंट्रीज़ में तो लॉन्च हो चुका है, उधर आपको इसके 6 GB रैम, 128 GB वाले वेरिएंट भी मिल जाते हैं। बैक पे आपको 4 कैमरे मिलेंगे, जैसा कि इसके अपर वेरिएंट में मिलते हैं सैमसंग गैलेक्सी A51 के अंदर। 48 MP का मेन कैमरा इधर आपको दिया गया है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 5 MP का मैक्रो, 5 का डेप्थ सेंसर है। HDR सपोर्ट करता है ये कैमरा और 1080 पिक्सल में आप 30 फ्रेम रेट्स के साथ वीडियो को रिकॉर्ड कर सकेंगे। फ्रंट पे आपको 20 MP का कैमरा मिलता है, वाटर ड्रॉप नोच के साथ, Wi-Fi 5 इसमें आपको मिलेगा और Bluetooth 5.0, फिंगरप्रिंट स्कैनर डिस्प्ले के अंदर मिलेगा। इसके आप शॉट वगैरह कुछ दे सकते हैं कि इसका कैमरा किस तरह का परफॉर्म करने वाला है। 5000 mAh की बैटरी है, 15 वाट की फास्ट चार्जिंग है। इसके कलर काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी अमेजिंग किस्म के इसके कलर हैं। वाइट वाला तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है और रेड वाला भी कलर इसका अमेजिंग है। तो क्या आप इस फ़ोन को बाय करेंगे अगर ये पाकिस्तान में 40,000 की रेंज में आता है? तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।